दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल इंटरेक्ट में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बजट गेमिंग पीसी के बारे में। आप बेस्ट बजट गेमिंग पीसी कैसे बना सकते हैं, वो भी केवल 20K में, यानी 20,000 रुपए में, वो भी बढ़िया गेमिंग पीसी कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि बेस्ट बजट गेमिंग पीसी कैसे बनाते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो मैं, क्योंकि आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, एकदम बेस्ट पीसी बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप एक बढ़िया गेमिंग पीसी बना सकते हो भी केवल 20,000 रुपए में। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो और देख लेते हैं कैसे आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ प्रोसेसर जो यूज कर रहा हूँ AMD का प्रोसेसर है Ryzen 3 2200G। प्रोसेसर जो है काफी अच्छा प्रोसेसर है, यह इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है। इसमें जो GPU जो होता है वह इनबिल्ड है, यानी GPU इसके अंदर पहले दिया हुआ है AMD ने। काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा, 1080p की गेमिंग करा देगा 30fps तक। लेकिन अगर आप 720 में गेमिंग करते हो 60fps तक की गेमिंग आपको करा देगा, GTA 5 को करा के गेमिंग करा देगा ये प्रोसेसर। काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन आप इसका यूज करके अच्छी गेमिंग कर पाओगे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाहते हो तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, कई लोगों ने गेम की टेस्टिंग की है AMD Ryzen 3 प्रोसेसर पे, जिन्होंने बताया काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की, इसीलिए मैंने अपने बिल्ड में इसको यूज किया है। तो अगला कंटेंट जो हमारा होता है वो मदरबोर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ, ASUS का प्राइम A320M मदरबोर्ड है, जो कि काफी अच्छा मदरबोर्ड है। ये Ryzen 3 प्रोसेसर को सपोर्ट कर लेगा, यानी कि AMD वाले जितने भी प्रोसेसर है सबको सपोर्ट करता है ये, लेकिन Ryzen 3 वाले प्रोसेसर को अच्छे से सपोर्ट करेगा ये ASUS प्राइम का मदरबोर्ड। काफी अच्छा मदरबोर्ड है, इसमें BIOS जो है अपडेटेड है। अगर आपका GB का मदरबोर्ड है, GB का मदरबोर्ड आप लेते हो 320M वाला, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अगर BIOS आप अपडेट कर लेते हो, अगर अपडेटेड हो करके आता है BIOS तो काफी अच्छी बात है, आप GB का मदरबोर्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जो यहाँ पे PC बिल्ड में यूज करने वाला हूँ वो है ASUS का ये मदरबोर्ड, जो कि काफी बेहतरीन मदरबोर्ड मुझे लगा। आप भी चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। तो अगला कंटेंट जो आता है हमारा होता है रैम। तो मैं आप जो रैम का ST के यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कॉर्सियर का रैम है, 8GB का DDR4 रैम है। इसकी बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 3000 MHz की इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी आपको गेमिंग में। ये काफी अच्छा रैम है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे 2 स्टिक का यूज कर सकते हो, लेकिन आपका फिर बजट थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसलिए आप यहाँ सिंगल स्टिक का भी यूज कर सकते हो। 8GB रैम भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे गेमिंग करा देगी, तो मैं आप इसीलिए इसका कॉर्सियर का रैम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका CPU फैन के बारे में आपको बता दूं, अगर आप CPU फैन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहो तब भी मत लगाओ, क्योंकि जब आप Ryzen का प्रोसेसर खरीदोगे तो उसके अंदर आपको फैन मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, उसका यूज कर सकते हो। काफी अच्छा फैन है Ryzen 3 के लिए, तो मुझे लगता है एनफ होगा। अगर आप Ryzen 5 वगैरह यूज करते हो अपने PC बिल्ड में तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप वाटर कूलिंग सिस्टम लो, यानी कि जो कूलिंग लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम होता है फैन वाला, उसका आप सिस्टम लो, काफी अच्छी कूलिंग करेगा, तब आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी Ryzen 5 में। तो मैं यहाँ पे जो रैम यूज करने वाला हूँ वो रैम यही है कॉर्सियर की। तो अगला जो कंटेंट आता है हमें पीसी बिल्ड करने के लिए वो चाहिए होता है पावर सप्लाई, क्योंकि जानते हैं पावर सप्लाई की बहुत जरूरत होती है। जो हमारा Ryzen 3 है 2200G वो मैक्सिमम वोल्टेज लेता है 65 वाट। आप चाहते हैं आप 200 वाट की पावर सप्लाई यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ जो पावर सप्लाई यूज करना लगी कॉर्सियर की है, जो कि 450 वाट की पावर सप्लाई है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको अपने पीसी में। तो अगला जो कंटेंट आता है वो हमारा होता है कैबिनेट, जिसमें सारे चीजें आप सेट करोगे। तो हमारा जो कैबिनेट है भी कॉर्सियर का ये, जो काफी अच्छा कैबिनेट है, मिड टावर गेमिंग केस इसका नाम है। इसका जो प्राइसिंग की बात करें तो ये है 3200 का, जो कि अमेजोन पे आपको मिल रहा है। आप चाहे तो ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हो सारे प्रोडक्ट, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो काफी बेस्ट बजट में आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा किंगस्टन का SSD जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 120GB वाला SATA 3 SSD है, जो कि काफी अच्छी SSD आपको 500 MBPS तक की स्पीड दे देगी। और अगला कंटेंट हमारा जो है हार्ड ड्राइव हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं WD Blue की, जो कि 500GB की हार्ड ड्राइव है। काफी अच्छी स्टोरेज आपको मिल जाएगी इस हार्ड ड्राइव में। तो टोटल कॉस्ट अगर हम लोग निकालें तो टोटल कॉस्ट आती है 22,586 रुपीज आप अगर Amazon से परचेस करते हो। तो सारे प्रोडक्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करके परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर हमारे चैनल में नया आ गया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको फोन पे मिल सके।
खैर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा।